डी एस स्टूडेंट्स विश यू ए वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात ई लर्निंग भिवानी में आपका स्वागत है आइए आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं मैं सुरेंद्र कुमार उपस्थित हूं अपना अगला टॉपिक लेकर एंड द माई नेक्स्ट टॉपिक इज इन हम पिछले वीडियोस में नॉन फाइनाइट्स के केस में जिरण और उसके यूजेस कर चुके हैं आइए अब हम डिस्कस करते हैं इन्फिनेटिवस इन्फिनेटिव बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स वट डू यू मीन बाई इन्फिनेटिव इनफिनेटिवस दो प्रकार के होते हैं टू इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बेयर इन्फिनेटिव मीन्स वी वन जस्ट द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू अब हम जानेंगे कहां हम टू तो इंफिनेटिव का यूज करेंगे और कहा हम बेयर इंफिनेटिव का यूज करेंगे जहां तक टू तो इन्फिनेटिव की बात है बहुत सारे सेंटेंसेस में टू तो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है या फिर किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है और इसका यूज हम पर्पज को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स से यह समझने की कोशिश करें कि टू इन्फिनेटिव बेसिकली होता क्या है टू इन्फिनेटिव नाउन का रोल प्ले करता है जैसे हमने जिरन के केस में सीखा था जिरन वीवन आई एन जी एक्टिंग एज ए नाउन और एक्टिंग एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इन द सेम वे टू इन्फिनेटिव एक्ट एज ए नाउन इन द सेंटेंस एंड इट कैन बी रिप्लेस विद ए नाउन इसको हम एक दूसरे नाउन से रिप्लेस भी कर सकते हैं जिसे हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं इसे हम जिरण से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि जेरन भी एक नाउन का रोल प्ले करता है किसी सेंटेंस में आइए अब हम ये जब जानते ही हैं कि नाउन या तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और, और प्रेपोजिशन हो सकता है या फिर हमारा पर्पज हो सकता है ठीक उसी प्रकार से यदि हम टू वी वन का यूज किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर करें तो वो टू तो इन्फिनेटिव का यूज होगा फर्स्ट सेंटेंस इज टू फाइंड फॉल्ट इज इजी मींस समथिंग इज इजी आप इस टू तो इन्फिनेटिव को किसी भी नाउन से रिप्लेस भी कर सकते हैं फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी और टू फाइंड फॉल्ट इज इजी और वी कैन से दैट इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स गलती ढूंढना कमियां ढूंढना बहुत ही आसान है कोई भी ढूंढ सकता है इसको हम नाउन के रूप में यहां यूज करेंगे टू फाइंड फॉल्ट इज इज यूज एज ए सब्जेक्ट नेक्स्ट इज ही लाइक्स टू प्ले चेस वॉट डज ही लाइक ही लाइक्स समथिंग ही लाइक्स टू प्ले चेस हियर टू प्ले इज टू इन्फिनेटिव इट इज यूजली यूज्ड With a main verb. Here, likes is the main verb. He likes to play means he likes something. We can replace this to infinitive with a noun. For example, he likes a novel, he likes reading a novel, he likes sweets, he likes this thing, that thing means something. He likes to play chess. Here, this to play is used as object of the transitive verb likes next is the movie is about to begin here this word about is a preposition about to begin and this is used as a to infinitive here we use it as the object of a preposition to plus v1 the movie is about to begin नेक्स्ट इज परपज यदि हम किसी सेंटेंस में किसी एक्टिविटी का कोई परपज एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम उसमें टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे वी ई टू लिव हम क्यों खाते हैं जीवित रहने के लिए वी ई टू लिव नेक्स्ट इज टू क्वालिफाई ए नाउन कई बार हम इसका यूज टू इन्फिनेटिव का यूज किसी नाउन या किसी ऑब्जेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी करते हैं जैसे आपने कुछ घरों पर लिखा देखा होगा टू लेट मीन दिस हाउस इज टू लेट यह मकान किराए के लिए खाली है या यह है मकान शेल के लिए अवेलेबल है दिस हाउस इज टू लेट यहां पर यह जो टो इन्फेनेटिव है ये क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन को अर्थात दिस हाउस को हाउस को क्वालिफाई करता है इसलिए हमने यहां पर इसको टो इनिटिव के रूप में यूज किया है अर्थात हम का यूज एक नाउन के रूप में करते हैं वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वो किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वो किसी पर्पज को एक्सप्रेस करने के लिए भी हो सकता है और वो किसी नाउन या एजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी हो सकता है आप इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें नॉन फाइनाइट्स की एक्सरसाइज में आप देखें कहां कहां हम किस किस रूप में नॉन फाइनाइट्स का यूज करेंगे और स्पेसिफिकली टो इनफिनेटिव का इट प्लेज द रोल ऑफ ए नाउन आइए अब हम बात करते हैं बेयर इंफिनेटिव की इन केस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव बेयर इंफिनेटिव मीन्स एन इंफिनेटिव और देश फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू प्रेसिडेड बाई इट टू इंफिनेटिव केस में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू था यहां पर केवल बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हम कहां करते हैं यह जानेंगे फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मॉडल वर्ब्स और आफ्टर मॉडल्स अगर किसी सेंटेंस में आप मॉडल्स का यूज करते हैं तो हमारे पास केवल दो ऐसे मॉडल्स हैं ऑट टू एंड यूज टू जिनके साथ टू प्रेपोजिशन का यूज होता है परंतु बाकी किसी भी मॉडल्स के साथ किसी भी मॉडल वर्ब के साथ टू का यूज नहीं होता यह एक प्रकार की एक वर्ब है एक ऑक्सिलरी वर्ब है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसके बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव अर्थात वी का यूज करेंगे अगर आपको किसी भी ब्लैंक में मॉडल के बाद ब्लैंक मिले और आपको नॉन फाइनाइट भरने के लिए कहा जाए तो यू विल फिल इन ओनली बेयर इन्फिनेटिव मीन्स वी और वी वन कहा होती है ब्रैकेट्स में सेंटेंस के अगेंस्ट दी होती है हम उसी को एज इट इज उठाकर उस ब्लैंक में फिल इन कर देंगे और हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश यू मस्ट ओबे द ट्राफिक रूल्स मस्ट कैन विल वुड शैल शुड मे माइट दीज आर मॉडल वर्ब्स इनके पश्चात हम यूज करेंगे बेयर आर इन्फिनेटिव मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब नेक्स्ट इज आफ्टर सर्टेन वर्ब्स आइए अब हम कुछ वर्ब्स की चर्चा करें एक इस प्रकार का एक सेंटेंस अवश्य आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अगर आप केवल इन पांच वर्ब्स को भी याद कर लें तो इनके बाद हमेशा बेयर इंफेनेटिव आता है वे वन का यूज होता है फॉर एग्जाम्पल मेक बिड लेट मैंने पिछले एग्जाम एग्जाम एग्जाम्स के पेपर्स में से देखा है कि हमेशा एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है ये हमने यहां पर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स लिखी है हो सकता है आपके एग्जाम में सिंपल पास फॉर्म दे रखी हो या परफेक्ट फॉर्म दे रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से फॉर्म वर्ब तो वही है इसलिए यदि मेक के स्थान पर मेड हो सी के स्थान पर सो हो हियर के स्थान पर हर्ड हो तो भी वे वन का ही यूज होगा टू वी वन का यूज या वी वन आई एन सी का यूज नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल आई बेड हिम गो आई बेड यहां बिड की सेकेंड फॉर्म है आई बेड हिम गो यहां केवल वी वन का यूज होगा लेट मी डू इट लेट मी डू इट लेट के बाद हमेशा वीवन बेयर इंफेनेटिव द जोकर मेड मी लाफ यहां पर यह जो वर्ब है लाफ टू लाफ यूज नहीं करेंगे ना ही लाफिंग यहां यूज होगा लाफ क्योंकि मेक की सेकंड फॉर्म है मेड और मेड के बाद यूज करेंगे बेयर इंफिनेटिव लाफ ही मेड मी लाफ और द जोकर मेड मी लाफ आई सॉ हिम गो मैंने उसे जाते हुए देखा आई सॉ हिम गो आई हर्ड द चाइल्ड क्राई आपको इस प्रकार से सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे For example, I heard the child dash, cry, to cry, crying. Fill in the appropriate or suitable non-finite verb. You have to fill in V one means bare infinitive after second form of hear. I heard the baby cry. I heard the child cry. In this way, we use bare infinitive after these verbs. एक और स्थान है ऐसा जहां पर अगर हमें वो वर्ड या फ्रेजेस मिले तो वहां हम बेयर इंफिनेटिव का यूज करेंगे आइए डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जिनके बाद हम बेयर इंफिनेटिव का यूज करते हैं आइए हम देखते हैं कि हम बेयर इंफिनेटिव का यूज अर्थात वी वन का यूज और कहां कहां करेंगे इससे पहले हमने देखा आफ्टर मॉडल वर्ब्स एंड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स लेट बिड मेक सी ही एटसेट्रा नाउ वी शेल यूज बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर हैड बेटर हैड रादर वुड रादर रादर देन सुनर देन ये कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनके पश्चात वी यूज बे आर इन्फिनेटिव वी ऑलवेज यूज बे आर इन्फिनेटिव मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जहां भी आपको बेटर हेड बेटर हेड रादर वुड रादर रादर देन और sooner देन फ्रेजेस मिल जाए और आपसे नॉन फाइनाइट भरने को कहा जाए आप फिल इन करेंगे बेयर आर आई वुड रादर डाई देन बैग बैग यहां पर हम टू बैग beg या बैगिंग नहीं लिख सकते क्योंकि यहां वुड रादर है आई वुड रादर डाई देन बैग मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा अर्थात मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा यू हैड बेटर आस्क फॉर परमिशन किसी ने किसी की कोई वस्तु ले ली तो वो कहता है कि आप पूछ कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता यू हैड बेटर आस्क फॉर परमिशन या परमिशन लेकर जाते तो ज्यादा अच्छा होता यू हैड बेटर आस्क फॉर परमिशन नॉट टू आस्क आस्किंग यू एड बेटर सी वॉट सी वर्ड्स उसकी आवश्यकता क्या है वो चाहती क्या है आपको ये देखना ज्यादा सही था आप देखते तो अच्छा रहता यू बेटर सी what she wants इस प्रकार से इन फ्रेजेस के बाद हम हमेशा बेयर इंफिनेटिव का यूज करेंगे आज हमने सीखा टू इंफिनेटिव एंड बेयर इंफिनेटिव नॉन फाइनाइट्स कहा हम टो तो इनफेनेटिव का यूज करेंगे और कहां पर बेयर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए बहुत सारे सेंटेंसेस में से जाइए और लास्ट ईयर के पेपर्स में से भी उठाकर देखिए कि कौन कौन से सेंटेंसेस आपसे पूछे गए हैं जो हमने डिस्कस किए हैं इनसे बाहर आपको कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा एक अच्छे सी प्रैक्टिस कीजिए और इस प्रकार से आप नॉन फाइनाइट्स के क्वेश्चन में नॉन फाइनाइट के फिलअप्स में सही सही वाब का यूज कर पाएंगे थैंक यू वेरी मच